नमस्कार, मैं निरंजन सहाय, प्रोफेसर हिंदी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, NIOS के DLED कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पाठ्यक्रम 503 ब्लॉक 1 इकाई 2 अर्थात संविधान में भाषा विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, प्राचार्य मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, हाजीपुर, वैशाली, बिहार। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, किसी समाज या देश के लिए भाषा का मुद्दा अत्यंत जटिल और संवेदनशील होता है। जी, भारत में भाषाओं की स्थिति और भी जटिल है। अनोखा देश है जहाँ चार भाषा परिवार की भाषाएं बोली और बरती जाती हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। यह देखना, जानना और समझना दिलचस्प है कि भारत में भाषाओं के कौन कौन संदर्भ हैं, इस विषय पर आप हमें बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह निश्चित तौर पर इस देश के बहुभाषिक स्वरूप को उद्घाटित करने वाला है। हम सब जानते हैं कि आज़ादी के आसपास, जब देश आज़ाद हुआ, भारत में लगभग 2000 के आसपास भाषाएं थीं। आप उन्हें भाषाएं कह सकते हैं, उपभाषाएं कह सकते हैं, बोलियां कह सकते हैं, लेकिन संयुक्त रूप से वो सब किसी न किसी समाज द्वारा या किसी न किसी भूगोल में बरती जा रही थी, बोली जा रही थी। तो संविधान बनने के क्रम में या बनने के समय भारत की जो बहुभाषिक स्थिति थी, उसको ध्यान में रखते हुए जो तीन रूप एक तरह से संविधान बनाने वालों के सामने थे, वो महत्वपूर्ण था कि भारतीय भाषाओं के तीन अलग अलग उपयोग, यानी कामकाज की भाषा या राजकाज की भाषा, पढ़ाई लिखाई की भाषा और न्याय की भाषा, ये तीन मुख्य मुद्दे थे जिस पर संविधान सभा में गंभीर बातचीत हुई। हमें याद रखना चाहिए कि इस विषय पर बहस की शुरुआत करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि हम एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। जी, क्योंकि यह ऐसा विषय है जो हमारे जीवन के हर क्षण को प्रभावित करता है, तो हमें इस विषय पर बात करते हुए एक दूसरे की भावना का सम्मान करना होगा। यानी देश की जो विविध भाषाएं हैं, उसमें किसी को कमतर या किसी को महत्वपूर्ण, किसी को महत्वहीन करार देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सभी भाषाओं को महत्वपूर्ण मानते हुए जी, जहाँ जिस भाषा का जितना उपयोग या सटीक उपयोग हम कर सकते हैं, वह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी एक तरह से संविधान सभा के सामने थी, जैसी उसकी बहस को देखने से ज्ञात होता है। जी, लेकिन इनके सामने जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे संविधान सभा के सामने, यह था कि संपूर्ण भारत में आपसी संवाद के लिए कौन सी भाषा प्रायः प्रयोग में लाई जाती है, जिसकी यात्रा में न सिर्फ जन भावनाओं के वहन की सामर्थ्य है, बल्कि जन सरोकारों के पक्ष में संघर्ष भाषा होने का गौरव भी प्राप्त है। यही बहस का या विचार का मुद्दा उनके सामने था। भारत में विभिन्न भाषाओं के बीच सहअस्तित्व का रिश्ता है या फिर टकराहट का, यह भी बहुत दिलचस्प था। और यह माना जाता रहा, क्योंकि अंग्रेजों ने जिस तरह की पहल यहाँ की थी, उसमें भाषाएं एक दूसरे से टकरा ही सकती थीं, जबकि भारतीय भाषिक परंपरा को यदि आप देखें तो इसमें भाषाओं के बीच जबरदस्त संवाद रहा है और एक भाषा ने दूसरी भाषा से खुल के लिया है और कोई परहेज नहीं किया। जहाँ आवश्यकता पड़ी, उसने एक दूसरे के साथ बातचीत की, बतकही की और एक दूसरे को समृद्ध करने में, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी भारतीय भाषाओं का जो स्वरूप है या जो चरित्र है, वो आपसी संवाद का चरित्र रहा है, जिसे बीच में किन्हीं कारणों से, जो औपनिवेशिक व्यवस्था हमारे यहाँ रही, उसमें रुकावट आई थी। अतः यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान सभा के सामने था कि किस रूप को हम स्वीकार करें, वह रूप जिसमें आपसी संवाद बढ़े या वह रूप जो टकराव को या टकराहट को और बढ़ावा देता है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात थी कि भाषाओं के संबंध में संविधान किस तरह की समझ बनाए। यानी आपको, आप जानते हैं कि देश की आज़ादी के बाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि एक देश एक राष्ट्र जैसी बातचीत भी चल रही थी,
तो ये इन मुद्दों पर बातचीत करते हुए संविधान सभा ने अपनी अपनी बात बहुत साफ गोई के साथ रखी और यह स्वीकार किया कि भारत एक बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक देश है, इसलिए यहाँ भाषाओं की जटिलता को स्वीकार करते हुए इसके प्रति संवेदनशील रूप से विचार करने की आवश्यकता है। और संविधान ने आगे हम उस पर बातचीत करेंगे कि संविधान सभा ने किस तरह से इन विभिन्न भाषाओं के लिए संविधान के भीतर स्थान निर्धारित किया और सभी भाषाओं के प्रति एक सम्मान का नज़रिया रखा। जी डॉक्टर साहब, जब भारत की बात की जाती है तो भाषाओं के संदर्भ में जी हिंदी का नाम अपने आप उभर कर चल आता है। जी जी, हिंदी के बहुत पुराने रूप रहे और नए रूप रहे, काल के प्रवाह के साथ हिंदी भी अपना रूप बदलती रही है। जी जी, यह बताने की कृपा करें कि संविधान ने हिंदी को किस रूप में देखा। देखिए, संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में देखा। हिंदी हमारी राजभाषा है। संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा में राज्य को संबोधित करने का अधिकार प्रदान करता है। भाषिक अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को अपनी मातृभाषा में पठन पाठन की बात का संविधान समर्थन करता है। मतलब यह है कि आप किसी पर कोई भाषा इसलिए नहीं लाद सकते कि वह आपकी राजभाषा है जी, बल्कि आज़ादी दी जाती है कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा में, भले ही आप जानते हैं कि भाषा छोटी और बड़ी आज के संदर्भ में अपने भूगोल के कारण होती है, अपने स्वरूप के कारण नहीं होती। जो भाषा जितने बड़े क्षेत्र में बोली जाती है वह उतनी बड़ी हो जाती है। यह मेरा एक मोटा अनुमान है कि भाषा अपने भूगोल से छोटी बड़ी होने लगी है। इसलिए वैसी भाषाएं जिनका भूगोल छोटा है, जो छोटे क्षेत्रफल में बोली जाती हैं या जिनके हिस्से छोटा क्षेत्रफल है, आप हम उनकी भी अनदेखी नहीं कर सकते, बल्कि उस भाषा को बरतने वाले बच्चे को यह हक है कि वह अपनी पढ़ाई लिखाई उस भाषा में करे। तो हिंदी का जो स्वरूप है संविधान में वह राजभाषा का है, यानी राजकाज की भाषा का है। हिंदी दूसरी भाषाओं का अधिकार अपहृत करने वाली भाषा नहीं है, बल्कि यह दूसरी भाषाओं को आगे बढ़ाने वाली, शक्ति देने वाली भाषा है। जो त्रिभाषा सूत्र की अवधारणा है, जिसमें हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है, त्रिभाषा सूत्र की अवधारणा भारतीय संविधान की चिंताओं को एक तरह से जाहिर करता है, जिसे सावधानीपूर्वक समझने और अमल करने की आवश्यकता है, जिसमें हिंदी के लिए महत्वपूर्ण स्थान है कि यह एक संपर्क भाषा के रूप में, राजभाषा संपर्क भाषा के रूप में, यह भाषा संवाद कायम कर सके, भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को जोड़ सके। हिंदी को इस रूप में निश्चित तौर पर संविधान सभा में देखा गया था। अब जो प्रावधान हैं हमारे, यह जानना दिलचस्प है कि किस तरह के प्रावधान भारतीय संविधान ने किए हैं भाषा को लेकर। संविधान निर्माताओं ने भाषा के मसले को महत्वपूर्ण मानते हुए गंभीर विचार विमर्श के बाद संविधान के भाग 17 में भाषा संबंधी प्रावधानों को रखा। भाषा संबंधी प्रावधानों को रखने का तात्पर्य यह है कि यहाँ भाग 17 में भाषाओं पर चर्चा एक तरह से केंद्रित है और 343 से 351 तक का जो खंड है संविधान का, उसमें हम भाषाओं के बारे में ही चर्चा पाते हैं। भारत के बहुभाषिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने केवल एक या दो भाषाओं को प्रमुखता न देते हुए कई भाषाओं को संविधान में जगह दी। जी, यानी सिर्फ ऐसा नहीं था कि हमने मान लिया कि एक देश तो एक ही भाषा से हमारा काम चल जाएगा। जी, शुरू में ही हमने चर्चा की कि यह एक बहुभाषिक राष्ट्र है और अपने यहाँ कहाँ भी जाता है कि तीन कोस पर पानी बदले पांच कोस पर बानी। मैं जिस क्षेत्र में आता हूँ वहाँ तो और भी आगे बढ़ के बात कही जाती है। वहाँ तो लोग कहते हैं कि कोस कोस पर जी पानी बदले तीन कोस पर बानी। तो ये बानी जो बदलने का अर्थ है, इसको संविधान निर्माताओं ने, जो इसी देश के थे, उन्होंने ध्यान में रखा। और विभिन्न प्रांतों से आए हुए लोग थे, विभिन्न भाषा भाषिक स्वयं थे, इसलिए मुझे लगता है कि संविधान सभा में भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व ठीक ढंग से हो पाया था। तब संविधान के अनुच्छेद की धारा 343 से 351 तक भाषाओं पर विचार है, जिसमें भारतीय संविधान भाषाओं के संदर्भ में इसके अतिरिक्त 8वीं अनुसूची में भी चर्चा करता है। जी, और यह देखना बड़ा दिलचस्प है कि जब 343 से 351 तक हमने भाषा की बात की तो संविधान को 8वीं अनुसूची की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। ऐसा लगता है कि 343 से 351 में जिस
तरह की भाषा की हम बात करते हैं, उसका वह एक तरह से केंद्रित है कामकाज की भाषा पर, जिसे हम राजभाषा के रूप में चिन्हित करते हैं, और वह हिंदी है। अब उसमें हिंदी के एक मानक रूप की भी चर्चा की गई है कि हिंदी मानकीकृत होगी तो कहाँ से शब्द ग्रहण करेगी, किस तरह के शब्द और कहाँ से शब्द आएंगे। आप जानते हैं प्रावधान है कि प्रधानतः तत्सम से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द लिए जाएंगे। देवनागरी उसकी लिपि होगी, वह देवनागरी में लिखी जाएगी, और अंकों का जो प्रकार होगा वो अंतर्राष्ट्रीय होगा, क्योंकि ये कहा गया कि ये तो हमारे ही अंक हैं जो कालांतर में रोमन, हाँ जो रोमन अंक हैं वो हमारे ही हैं, कालांतर में यहाँ से अरब होते हुए दुनिया के अन्य देशों से घूमते फिरते हमारे यहाँ आ गए हैं। तो लेकिन उस पर चर्चा हुई थी और ज़बरदस्त चर्चा हुई थी, जिसके बाद उसे स्वीकार किया गया था। तो यह जो 343 से 351 और आठवीं अनुसूची, दो जगह जो भाषाओं का जिक्र है, उसे मुझे लगता है कि हमारे शिक्षार्थियों को भी इस बात को जानने और समझने की आवश्यकता है कि हम ये बार बार जो कहते हैं कि यह मानकीकृत रूप ही स्वीकार्य है, वास्तव में भारतीय संविधान ने मानकीकरण की बात 343 से 351 तक की है। आठवीं अनुसूची की भाषाओं को मानकीकृत नहीं किया गया, और कमाल यह है कि हिंदी वहाँ भी है। यानी यदि मध्य प्रदेश में हम कहते हैं कि अपन लोग चलेंगे, तो यह इतना ही स्वीकार्य है जैसे शिलोंग के बड़ा बाजार में एक आदमी पूछता है कि कांग इठू कैसे। इसलिए जो हिंदी के विविध रूप हैं वो आठवीं अनुसूची में जाके संविधान सम्मत रूप हैं। इसलिए मानकीकरण के दायरे में जो हिंदी है वो 343 से 351 वाली हिंदी है, राजकाज वाली हिंदी है, और इसलिए है क्योंकि जब बड़े क्षेत्र में आपको एक भाषा का प्रयोग करना है तो आवश्यकता होती है कि उसमें एक रूपता हो ताकि उसे समझा जा सके। जी, अब यदि उसमें विविधता रहेगी तो हो सकता है कि समझ बनाने में परेशानी हो, और राजकाज तो आप जानते हैं कि उसे चलाने के लिए एक भाषा की आवश्यकता है, और विशेष करके संचिकाओं के यहाँ से वहाँ जाने में उसकी बड़ी भूमिका होती है, पत्रों का आदान प्रदान एक जगह से दूसरे, प्रशासनिक कार्य जिसे हम कहते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि भाषा का एक रूप स्थिर किया गया है। लेकिन यहाँ भी 348 में न्याय की भाषा के रूप में अंग्रेजी को ही स्वीकार किया गया। जी, मतलब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के लिए अंग्रेजी को मान्यता दी गई। 343 से 351 वाले में भी राजसह भाषा का जिक्र किया गया। यानी पहले तो हमने कहा था कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी राजसह भाषा के रूप में काम करेगी, लेकिन 1961 के बाद स्थितियां बदली और ये कहा गया कि जब तक हिंदी पूरे देश के कोने कोने में स्वीकृत न हो जाए या स्वीकार्य न हो जाए, अंग्रेजी का ये काम यथावत जारी रहेगा या चलता रहेगा। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर हम लोगों को भी चर्चा करनी चाहिए वह है राष्ट्रभाषा का। जी जी, आपने बताया कि संविधान में हिंदी का दो जगह जिक्र है। जी, आपने बहुत खूबसूरत बात बताई कि हिंदी के सभी रूप जो मौजूद हैं समाज में, उसको हमारे भारत के संविधान ने संवेदनशीलता से स्वीकार किया है। एक तरह से हर तरह की हिंदी की जनतांत्रिक स्वीकृति बने, यह चिंता संविधान को है। बिल्कुल, हिंदी को लेकर एक बहुत गर्मा गर्म बहस होती है, और ख़ास करके जो हिंदी प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, वहाँ पर पाठ्यक्रमों में भी पढ़ाया जाता है जी कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो यह स्पष्ट कीजिए कि क्या राष्ट्रभाषा शब्द संविधान में स्वीकृत है या अस्वीकृत है, या क्या इसके बारे में संविधान कहता है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा के विवाद पर अपनी राय दीजिए। देखिए, जो भारतीय संविधान है वह राष्ट्रभाषा के नाम पर चुप है। जी, भारतीय संविधान में कोई जिक्र ऐसा नहीं है जिससे यह ज्ञात हो कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। लेकिन हिंदी की जो विरासत है और स्वाधीनता संग्राम में हिंदी की जो भूमिका रही है जी, और जन चेतना में जिस तरह से हिंदी ने अपना स्थान ग्रहण किया या गढ़ा बनाया, उस हिसाब से आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, लोगों के मन मानस से जो हिंदी की राष्ट्रभाषा वाली छवि है उसको अलग नहीं किया जा सकता। और धीरे धीरे हिंदी का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, हिंदी जिस तरह से विभिन्न माध्यमों से विकसित हो रही है, यह कहा जा सकता है कि आज़ाद भारत में
हिंदी में हमारा काम कई प्रांतों में चल सकता है। तो इसलिए जिस तरफ हिंदी बढ़ रही है वह तो ठीक है कि वह राष्ट्रभाषा के रूप को ग्रहण करने की तरफ बढ़ रही है, या एक तरह से जब हमारे मानस में वह राष्ट्रभाषा है तो है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है जी, क्योंकि उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है जी। हिंदी का जिक्र यदि 343 से 351 तक है तो वह राजभाषा के रूप में है, यानी कामकाज की भाषा के रूप में है। और उसमें भी आप जानते हैं कि कामकाज के लिए भी देश के विभिन्न राज्यों को हिंदी के नज़रिए से तीन क्षेत्रों में बांटा गया है, क्षेत्र क, क्षेत्र ख, क्षेत्र ग जी। क्षेत्र क जहाँ सभी काम हिंदी में होते हैं और आप एक तरह से आपस में आदान प्रदान आपको हिंदी में ही करना होगा, ख को ये छूट है कि वह अपनी राजभाषा में आपसे संवाद करे। तो इस तरह से अनुच्छेद 351 को यदि हम देखें तो वहाँ हिंदी के प्रचार प्रसार की बात कही गई है। तो राजभाषा होने के कारण ये हक भी उसको है कि उसको प्रचार प्रसार का अवसर मिले। तो मुझे लगता है कि यह जो राष्ट्रभाषा वाला प्रश्न है वह भारतीय मन का प्रश्न है, भारतीय मानस का प्रश्न है, इसलिए संविधान में उसका न होना भी बहुत महत्व नहीं रखता। लेकिन तथ्य के रूप में हम जो गलती बराबर करते हैं कि यदि कहीं पूछा जाता है कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है तो हम आमतौर पर हिंदी में चिन्हित करते हैं हिंदी को, और जब गलत हो जाता है तो हल्ला भी करते हैं कि भाई कैसे हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है। तो संविधान के नज़रिए से यह हमें स्वीकार करनी चाहिए कि हिंदी हमारी राजभाषा है, और इसका जिस तरह से विकास या प्रसार हुआ है धीरे धीरे, हम थोड़ी चर्चा उस पर भी करें कि कैसे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो हिंदी का स्वरूप है वो क्या है जी। संवैधानिक प्रावधानों के आरंभिक दौर में ही अंग्रेजी को राजसभा भाषा का दर्जा दे दिया गया, कि चूंकि अंग्रेजी में ही कामकाज हो रहे थे अचानक उसको हटाया नहीं जा सकता था। अंग्रेजी को यह दर्जा शुरुआत में 15 वर्षों के लिए दिया गया, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी को हमेशा के लिए राजसभा भाषा का दर्जा दे दिया गया। 61 से 63, 63 से 65 का जो समय है, या 67-68 का, वो भाषाओं को लेके एक तरह से इस देश में विवाद आंदोलन का समय रहा है। तो उसको शायद ध्यान में रखते हुए तत्कालीन जो हुक्मरान थे, जो हमारे शासक थे जी, उन लोगों ने ये तय किया कि जब तक इस तरह का विरोध होता रहेगा तब तक हम अंग्रेजी को राजसभा भाषा के रूप में जारी रखेंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब मुझे यह भी बताइए कि भारत जैसे बहुभाषी देश में, आपने उल्लेख भी किया और बहुत सुंदर तरीके से बताया राजभाषा राष्ट्रभाषा के मसले को, बहुभाषिकता के मसले को, राज्यों के भाषाई अधिकार के बारे में संविधान क्या कहता है जी। राज्यों को भी भाषाई अधिकार प्राप्त है और राज्य अपनी राजभाषा तय कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। उनके जो अधिकार हैं उसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 में किया गया है। 345 के अनुसार राज्यों को अधिकृत किया गया है कि वे विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली एक या अधिक अथवा हिंदी को राजभाषा बनाएं, वो अपने यहाँ कामकाज की जो भाषा है उसको, या हिंदी को राजभाषा बना सकते हैं। एक से अधिक राजभाषाएं राज्य की उन नीतियों को प्रकट करता है जिनमें राज्य जनभावनाओं के प्रति संवेदनशील और लोकतांत्रिक है, न कि दुराग्रही। यानी एक राज्य ने दो तीन राजभाषाएं बना रखी हैं, प्रथम राजभाषा, द्वितीय राजभाषा, तृतीय राजभाषा जी। तो यह दिखाता है कि हमारे राज्य वहाँ बरती जाने वाली भाषाओं के प्रति संवेदनशील हैं और बोलने वालों के हक की रक्षा कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब जी, आप बिहार से हैं, बिहार में कितनी राजभाषाएं हैं? प्रथम भाषा वहाँ भी हिंदी है और द्वितीय राजभाषा उर्दू है जी। जी तो प्रथम और द्वितीय भाषा वहाँ अनिवार्यता है ही, जिसमें आपको काम काज करना होता है जी। और भी कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे उदाहरण के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश है जहाँ हिंदी और उर्दू हैं, और भी कई प्रांत हैं जिसमें ऐसी सहूलियत दी गई है। अनुच्छेद 345 की पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली राज्यों की राजभाषा हिंदी घोषित है। और ये जैसा मैंने पहले जिक्र किया, ये हिंदी के अनुसार क क्षेत्र वाले राज्य हैं जी। पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी तथा गुजरात में हिंदी और गुजराती भाषा के को राजभाषा घोषित किया गया है। यानी स्थानीय भाषाओं को स्थान देने का, महत्व देने का, प्रत्येक नागरिक राज्य को अपनी भाषा में संबोधित कर सके जी। जी जी जी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल
ने क्रमशः तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, असमिया और बांग्ला को अपनी अपनी राजभाषा बनाया है। जी, सिक्किम में ने नेपाली और लेपचा को, लिंबू और भूटिया को अपनी राजभाषाएं घोषित किया है। छोटा सा प्रांत है सिक्किम, लेकिन इतनी भाषाएं हैं कि सिक्किम ने नेपाली तीन या चार भाषाएं जी लेपचा को भी, लिंबू को भी और भूटिया को अपनी राजभाषा घोषित किया है। तो यह भाषाओं के प्रति एक आदर का भाव है और हर भाषा के प्रति सम्मान का मामला है। जो संविधान ने शक्ति हमें दी है, राज्य उसका उपयोग कर रहे हैं। जी, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा मेघालय ने किसी भाषा को राजभाषा नहीं बनाया, लेकिन सरकारी कामकाज अंग्रेजी में चल रहा है। जी, जी। ये उत्तर पूर्वी राज्यों की एक बड़ी विशेषता है, विशेष करके इन तीन राज्यों में, कि जो मेघालय की भाषा है खासी, वह लिखी भी जाती है रोमन में। जी जी जी, उसकी लिखने की भाषा भी रोमन है। तो इन प्रदेशों ने कामकाज अंग्रेजी में रखा है। केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और दादर नगर हवेली पर केंद्रीय राजभाषा नीति लागू नहीं होती है। मतलब ये जो है अपनी राजभाषा अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। जैसे पांडिचेरी की राजभाषा तमिल है, तो इस तरह से इन केंद्र शासित प्रदेशों पर केंद्रीय राजभाषा नीति लागू होती है। इसे ध्यान में रखना चाहिए कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केवल पांडिचेरी एक उदाहरण है जहाँ राजभाषा तमिल है। जी, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, आपने संविधान में भाषाई प्रावधानों के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी दी। भारत का संविधान इस बात में भी अनोखा है कि वहाँ 8वीं अनुसूची की बात की गई है, और 8वीं अनुसूची के बारे में ऐसी बात कही जाती है कि वह सूची खुली हुई है और बहुत सारी भाषाएं उसमें शामिल होने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। जैसे आप जिस राज्य से हैं वहाँ भोजपुरी के लोग, उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी इलाके के लोग बिहार के भोजपुरी इलाके के साथ मिलकर भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान के लोग राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए प्रयासरत हैं। 8वीं अनुसूची क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, और 8वीं अनुसूची को खुला क्यों छोड़ा गया है, इसके बारे में प्रकाश डालिए। देखिए, भारत की जो भाषाई विविधता है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि संविधान सभा के जो हमारे निर्माता थे, उन्होंने देखा कि भाषाएं यदि सीमित कर दी जाएं इस देश की, तो एक तरह से आप किसी न किसी क्षेत्र विशेष की जिह्वा काट लेते हैं, जुबान काट लेते हैं। यदि उसकी भाषा मुहावरा भी है कि जुबान काट लो, हाँ तो जुबान काट लूँगा, यानी आपकी भाषा को यदि हमने स्थान नहीं दिया, तो एक तरह से आपके बोलने के हक को, आपको अपने आप को प्रकट करने के हक को हमने छीन लिया। लेकिन 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए कुछ प्रावधान बना लिए थे संविधान सभा ने। जी, उन प्रावधानों के अंतर्गत जो शुरू में 1950 में जिन 14 भाषाओं को शामिल किया गया, आप देखिएगा कि एक तरह से इनका केंद्रन कुछ भाषाओं को छोड़ के, उर्दू, संस्कृत को छोड़ के, बाकी भाषाओं का एक क्षेत्र विशेष है जहाँ ये भाषाएं, एक भूगोल है जहाँ ये बोली जा रही हैं। तो भारत जो विविध या 600 देसी रियासतों के विलयन के बाद बना हुआ एक राष्ट्र था, वैसे ही बहुत सी भाषाओं से के बोलने वाले लोगों से मिला हुआ एक राष्ट्र है, आज भी है। लेकिन उस समय जो भाषा भूगोल के नज़रिए से, जिसे हम कहते हैं कि जो देखा गया कि एक प्रांत में जो प्रांत बने थे उनकी एक कोई खास भाषा है, तो उसमें 14 भाषाएं तब शामिल की गई थी। और ये 14 भाषाएं थीं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इसमें हिंदी, संस्कृत और उर्दू, इन तीन को आप कह सकते हैं कि इसका क्षेत्र विस्तृत था या ये राज्य की सीमाओं के पार भी पहुंचने वाली थी। बाकी भाषाओं का एक भूगोल तय था और उनका रिश्ता कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र विशेष से या प्रांत विशेष से जो आज है। हालांकि तब ये तय किया गया था कि हम भाषाओं के नाम पर राज्यों का निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन बाद में आप जानते हैं कि उस पर भी भाषाएँ इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि जो भी नए राज्य बने उनके पीछे भाषा ही थी एक तरह से। जिन राज्यों का विभाजन हुआ उनके विभाजन में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। यह संशोधन 1967 में हुआ था।
इसी तरह 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को इस सूची में शामिल किया गया, 8वीं अनुसूची में। जो 92वां संशोधन था 2003 का, वो उसमें बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषाओं को भी अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया। संविधान में आज कुल 22 भाषाएं अनुसूचित भाषाओं के रूप में दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त अनेक राज्य अपनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में स्थान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्यों किसी भाषा को इस सूची में शामिल किए जाने के लिए संघर्ष किए जाते हैं। किसी भी भाषा का अनुसूचित सूची में आने का अर्थ है कि उस भाषा के विकास के लिए संघीय सरकार और राज्य सरकार सामूहिक प्रयास करें। तो कोई भी भाषा चाहती है कि उसे भी राज्य और राष्ट्र की विभिन्न योजनाओं का सहयोग मिले, ताकि वो उसके विकास के रास्ते प्रशस्त हों, विकास का मार्ग खुले। इन भाषाओं में शिक्षण हो सकता है तथा इनके विकास के दूसरे प्रयास भी किए जाते हैं। शिक्षण माध्यम होना एक बड़ी बात है। यदि आप 8वीं अनुसूची में दर्ज हैं तो शिक्षण माध्यम होने में परेशानी नहीं होगी। यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि गैर सूची भाषाओं में शिक्षण का काम होता है। यह निर्णय दरअसल राज्य सरकारों का होता है। राज्य सरकार यह निर्णय कर सकती है कि वह स्थानीय किसी भाषा में पढ़ाए या नहीं। 8वीं अनुसूची में किसी भाषा का शामिल होना उस भाषा भाषी की अस्मिता की स्वीकृति भी है। ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि भाषा जो हमारी अस्मत से, हमारी अस्मिता से जुड़ी हुई है, यदि इस सूची में स्थान पाती है तो लगता है कि हमारी अस्मिता को वहाँ भी जगह मिली। जी जी, डॉक्टर साहब अंतिम जानकारी चाहिए जी कि अधिगम और इन स्थितियों का क्या रिश्ता है। अधिगम से क्या कोई रिश्ता बनता है भाषाई संबंधी इन स्थितियों का? बिल्कुल, भाषा शिक्षण में यदि भारतीय भाषाओं की जानकारी के विभिन्न संदर्भों को शामिल किया जाता है, तब विद्यार्थियों में इस संस्कार का जन्म होता है कि दूसरी भाषाएं बोलने वाले सहपाठियों को गैर नहीं माने जी, विभिन्न भाषा भाषी होने को स्वाभाविक माने, न कि किसी भाषा का विरोधी जी। ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है हमें कि भाषाएं अधिगम और अधिगम से फिर आगे बढ़ के देश प्रेम की तरफ कैसे जाती हैं जी। अधिगम में शामिल इस मुद्दे का असर कक्षा और विद्यालय के माहौल को मित्रवत बनाने में सहायक होता है। भाषाओं के प्रति संविधान के निर्णय और उनकी सही समझ प्रकारांतर से आपसी भाईचारा और देश प्रेम बढ़ाने में सहायक है, जो अधिगम का उद्देश्य भी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान में भाषा, बहुभाषिकता, 8वीं अनुसूची, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इन सभी विषयों पर और इनका अधिगम के साथ क्या रिश्ता बन सकता है या होना चाहिए, आपने इतनी विशद जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए और इस विषय पर अपनी राय देने के लिए। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद।